एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो नज़ारा आप लोग देख सकते हो, सुबह का समय है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। और हम जा रहे हैं बेबी के बाल कटवाने के लिए माता रानी के पास। तो ये पगारा डैम यहाँ से थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। यहाँ पे बंदर इतने हैं, वो से ज्यादा देखो कितने मंकी। इधर पगारा डैम है, अब इधर से मैया की ये रोड बन रही है। मैया की रोड जो बन रही है वो मैया। हाँ, अब सीधे चलो जहाँ जहाँ रोड दिख गया। ये है पगारा डैम, जोरा पगारा डैम है। ये बिल्कुल पहाड़ियों के बीच में है। आप देखो कितना मस्त है, बहुत बड़ा है। और आप देखोगे ना तो इसमें अंदर ये मकान भी बने हुए हैं। मेरे को तो समझ में ये नहीं आता कि बारिश में जब इसमें पानी बढ़ता है तो ये लोग कहाँ जाते हैं। अभी तो खेती भी हो रही है एक्चुअली वहाँ पर ये जब पानी बढ़ जाता है तब कहाँ जाते हैं। बहुत ही शानदार व्यू है, आप देखो ये बिल्कुल पहाड़ों के बीच में है, बिल्कुल पथरीली जगह है पूरी। और ये रोड बन रही है अभी। तो फाइनली हम लोग आ गए हैं माता रानी के दरबार में। ये है निरार वाली माता का मंदिर, और ये हैं पतिदेव जो लड्डू को लेके जा रहे हैं, और ये हैं मम्मी चाची। यहाँ पर तो छोटी मोटी दुकानें भी लगी हुई हैं। ये देखो ये ऐसी है, छोटी मोटी दुकानें भी हैं। ये मैया का मंदिर है। तो सबसे पहले यहाँ पर लौटी आएंगी, उसके बाद कटिंग होगी बालों की। बेबी स्लीपर। आ चुके हैं निरार वाली मैया के पास। ये है निरार वाली मैया, और ये वो मिल गई है हमारी बुआ जी की लड़की की सास। तो अभी उनसे मिल रहे हैं क्योंकि ये लोग भी आए थे। तो वेट 51 हो रही है यहाँ पर। और ये है मैया का मंदिर, आप देख लीजिए। नहीं, एक लहंगा है एक फरिया है। ले मैं तो एक पर कम हो गया। हाँ, दो केला चढ़ा दो। मैया नाइये फूल लेते लव पोत। तीन से बजे।
ये माता रानी, आप लोग दर्शन कर लीजिए। ये निदारे वाली मैया, घंटी बजा दो। लड्डू लड्डू बेटा, मैया के दरबार में आ गया। तो माता रानी को हमने अच्छे से पूज दिया और अभी हम दे रहे हैं परिक्रमा सब लोग। पहले ये मंदिर ना इतना अच्छा नहीं बना था, जब लक्ष्य हुआ था उस टाइम पे आई थी मैं लक्ष्य की लटुई लवाने के लिए, यानी कि बाल कटवाने के लिए। सबसे पहले हमारे यहाँ ये वाली मैया के यहीं बाल काटे जाते हैं, बच्चे होते हैं तो वरना कुछ प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को, इसलिए ऐसे कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है आँख में या कुछ भी हो सकती है ऐसे बोला जाता है। तो इस वजह से माता रानी की यहाँ सबसे पहले लटी आती हैं, उसके बाद कहीं दूसरे मंदिर पे आती। तो माता रानी के दर्शन हमने कर लिए हैं, अभी बेबी के थोड़े से बाल कटेंगे फिर यहाँ पर ये वाले मंदिर में चढ़ेंगे। तो चलिए वो प्रोग्राम भी कर लेते हैं। तो यहाँ बेबी के बाल कटेंगे, तो मम्मी यहाँ हल्दी से चौक लगा रही हैं, उसके बाद बाल काटे जाएंगे। चलना इच्छा हो तां ते कटवाए लो यार। कहाँ चढ़ा है? चढ़ा तो कहाँ टोनी है? बस चलो मैया के दरबार से अब हम जा रहे हैं दूसरी वाली मैया के दरबार में। लड्डू की देखो, लड्डू को लड्डू को लड्डू देखता है। धूप आ गई, धूप आ गई, लड्डू के फेस पे धूप आ गई। धूप चलिए चलते हैं। इस साइड धूप आएगी, आएगी इस साइड धूप है ना, इस साइड धूप आएगी, अपन जाएंगे तब।
ठीक है चल चलते। बोलो निरारे मैया की जय। चलो लड्डू भैया। तो माता रानी के दर्शन करने के बाद अभी आप ताल देख रहे हो, अभी आ गए हम ईश्वरा महादेव के मंदिर। और यहाँ की रास्ता ना बहुत ज्यादा गंदी है, देखो कैसे कैसे पत्थर डले हैं। तो गाड़ी हमने यहाँ पे खड़ी कर दी, देखो कितने गंदे गंदे पत्थर है यार, यहाँ से निकाल के लाए, गाड़ी की बैंड बज गई है। चलो चलते हैं, इन्होंने लड्डू को ले लिया गोद में। चलो चलो चलते हैं। चाची मम्मी यहाँ कहेगी कि मैं मंदिर की कह के लाया, कहे कहाँ कहाँ फिरा रहे। चलो आराम आराम से जाना। और क्या, मैं सबसे पीछे हूँ। अब हमें एक और माता रानी के दर्शन करने जाना है, लेकिन काफी लेट हो जाएंगे सब, 11:30 तो यही हो गया है। चलते हैं। तो गाड़ी को हमने वहीं खड़ा कर दिया था, अब अनिल लेने गए हैं गाड़ी। हम जा रहे हैं पैदल, सामने मंदिर आ ही गए बस, अब तो हम पहुंच ही गए मंदिर पे। ये देखो ये है हमारे यहाँ का ईश्वर महादेव, जहाँ ये देखो ये धर्मशाला है और नीचे है वो। फिर आप ये देखोगे तो यहाँ पे ये पूरा झरना वरना बहता है और बिल्कुल अंदर तक खाई है, बिल्कुल ये पूरा भीड़ में बना हुआ है। पहाड़ों में आराम से है। तो ईश्वर महादेव का मंदिर बिल्कुल नीचे है, नीचे की तरफ पहाड़ में। और यहाँ पे एक झरना भी है जहाँ पे लोग नहाते हैं फिर तब पूजा करते हैं। वो बोलेगी, ये देखो पहाड़ में काट के बसे हैं वो, ये देखो। और सत्य से तो निकले ही हैं। और का ए कॉकरोच है उसमें, ऐसे ही मायने रहते पानी पत्ते ले लेते चलो आ जाओ, मैं भी धो लूं। तो जरना जर रही है। चलो अरे भैया आराम से हाथ जोड़ लो, पैर छू लो, भैया कहाँ जा रहा है लक्ष्य। जा सकते हैं अंदर। यहाँ पे रसोई हो रही है, यहाँ पे सीढ़ियाँ, ऐसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं अभी वापस लौट के। मम्मी ये आगे निकल गए हैं, चाची ये लक्ष्य कैमरे के पीछे। मैं देखो कितनी शक्ति होती है वहाँ पे, ऐसे पहाड़ मतलब ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन भगवान जी की ऐसी कृपा शक्ति थी कि पत्थर नीचे नहीं गिर रहे थे। देखो ऐसे पत्थर लगे हुए हैं बहुत नीचे ये मंदिर जाके, आराम आराम से। यहाँ का व्यू देखो कितना नीचे है, ये कितना नीचे है। ओ माय गॉड, मुझे देख के डर लग रहा है, कैमरे में सारी चीज़ें कैप्चर नहीं हो सकती, जो सामने देख के जो फील होता है ना, बहुत नीचा है यार। चलो चलो तो कहाँ जा रहे हो, चलो चलो चलो, कहीं नहीं चढ़ना, नहीं 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 कहीं नहीं चढ़ना है चाची, तुम्हें क्या पता गिर जाए टूट जाए, गिर जाए टूट जाए। चलो चलो यहाँ भी दर्शन हो गए। चलो गाड़ी लेके आ गए थे बाद में, बहुत ज़्यादा पत्थर है इस रास्ते पर फाइनली यहाँ के भी दर्शन हो गए। वैसे बारिश में यहाँ पे झरना, यहाँ पे झरना चलता है तो वहाँ पे नहाते भी हैं, बट अभी हमें एक मैया पे भी जाना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी आए दर्शन करने के लिए, क्योंकि माता रानी के रास्ते में ही ये ईश्वरा महादेव पड़ते हैं।
जो लोग हमारे साइड के हैं वीडियो देखते हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कौन कौन यहाँ पे आया हुआ है। मेरी दीदी आई हुई है, उन्होंने मुझे बताया हुआ था। अनिल बहुत टाइम से बोल रहे थे, चलो चलते हैं।